नमस्कार, मैं हूँ रिंकेश कुमार। नवाभियान के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही मैं हमारा जो चैनल है वो आपको गिरिडीह के विभिन्न दुर्गा स्थानों का दर्शन करा रहा है। इसी बीच हम पहुँचे हैं गिरिडीह शहरी क्षेत्र के स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड, जो जहाँ पे एकेडमिक ग्राउंड में सुरोज सुंदरी इंस्टीट्यूट के द्वारा भव्य रूप से दुर्गोत्सव मनाया जाता है। ये गिरिडीह का मुख्य दुर्गा उत्सव है, जहाँ पे कि बड़े स्तर पर मेला का भी आयोजन किया जाता है और यहाँ हजारों की संख्या में, यूँ कहा जाए कि गिरिडीह ही नहीं बल्कि आसपास के भी लोग यहाँ पर माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उनका दर्शन करने के लिए, भव्य जो पंडाल है उसका दर्शन करने के लिए और मेला का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हुए हैं। इस बार भी यहाँ पर भव्य रूप से आप देख सकते हैं कि भव्य रूप से पंडाल बनाया गया है, जो कि जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि बंगाल से जो कारीगर आए हुए हैं उनके द्वारा पंडाल का निर्माण किया गया है और बंगाल के जो कारीगर हैं उन्हीं के द्वारा प्रतिमा का भी निर्माण किया जाता है। धीरे धीरे माँ की प्रतिमा भी यहाँ पर ला करके रखी जा रही है। अब मैं बात करता हूँ जो सुरोज सुंदरी एक इंस्टीट्यूट है उनके जो मुख्य अध्यक्ष जो हैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ पर पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? 1942 से शुरुआत हुआ था पूजा। किनके द्वारा और कैसे हुई? 1942 में उस समय जो हमारा इस मोहल्ला का इर्द गिर्द में जितने भी उस समय शहर के बुद्धिजीवी लोग थे, सो कॉल्ड हम लोग का ग्रैंड फादर लोग का ग्रुप जितना भी थे, उन लोग ही मिलके ये पूजा का शुरुआत हुआ था। विधान से यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ हम लोग बनारस पंजिका तहत उस मत से हम लोग यहाँ पूजा करते, जिसको कालांतर में कहते हैं बंगला मत। और पूजा का जो सबसे बड़ी विधि विधान है, जो कि हम लोग पूजा का साथ साथ यहाँ पर हम लोग एक मेला का भी जो आयोजन करते, ऐसे देखिए दो दुर्गा पूजा होता है। हाँ, तो इस शारदीय दुर्गा पूजा जो दुर्गा उत्सव के रूप में मनाया जाता है और जो हम लोग चैती दुर्गा पूजा करते वो पूरा दुर्गा पूजा वो पूजा है, ये पूजा सा उत्सव है। तो एक तरफ हमारा वो पंडाल का अंदर माँ का मूर्ति हम लोग पूजा कर रहे हैं, एक तरफ पंडाल का सामने में हम लोग मेला का आयोजन करते हैं। और आज 88 ईयर्स होने जा रहा है इस पूजा का। हाँ, मनार 12 साल ही बचा हुआ है 100 साल का पूजा होने में, तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। और सबसे बड़े इस पूजा में क्या, हमारा जो जितना भी मेंबर लोग है, कई एक महीना से पूरा प्रयासरत रहता है सारा मेंबर लोग, कई एक महीना से इसके पीछे मतलब वो लोग तन मन धन से मतलब जुट जाता है, ताकि इस पूजा को, इस मेला को किस तरह से हम लोग भव्य रूप में आयोजित कर सकते हैं। इस पर विशेष क्या भक्तों को देखने के लिए मिलेगा? क्या विशेष भक्तों को देखने के लिए? अब जो हम लोग जो पंडाल का जो लुक दिए हैं वो राजस्थानी तोरण द्वार का तहत लुक दिए, और माँ का जो मूर्ति का जो हम लोग लुक देने जा रहे हैं, अभी तो माँ बैठ रही है आप लोग देख सकते हैं, कल तक हम लोग शाम को 7 बजे पट खोलेंगे। और ये बंगला झारखंड का गाँव का बेस करके हम लोग बनाया अबर माँ को। हाँ, जो मोटा मोटी हम लोग जो झारखंड का जो गांव का कल्चर है और बंगाल का गांव का कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों कल्चर को हम लोग देखते हुए उस कल्चर के तहत अबर माँ का मूर्ति का रूप हम लोग दे रहे हैं। मेला में विशेष क्या होगा? मेला में विशेष क्या है, देखिए सप्तमी अष्टमी नौमी दसवीं तो यहाँ मेला चलता है, मेला के लिए आकर्षण यही रहता है जो गिरिडीह के जितना भी हमारा लोगो है सारा मूर्ति को दर्शन करने के उपरांत इस जगह पर आके वो लोग कई एक घंटा यहाँ पर बिताते परिवार लेके। हाँ, ताकि मेला मतलब बच्चा लोग का एंजॉय है, बच्चा लोग का साथ मतलब समय यहाँ बिताते, हम लोग को भी खुशी होता है। और एक चीज़ हम लोग भंडारा करते, जो पहले हम लोग दरिद्र नारायण भोजन के नाम से जाना जाता था, जो मेरा दादा लोग को ग्रुप या पापा चाचा लोग को ग्रुप लोग करते थे, कालांतर में हम लोग उसको भंडारा का नाम दिए हुए हैं। तो ये यहाँ का सुरोज सुंदरी का खासियत है, हम समझते 1942 से ये परंपरा को हम लोग मेंटेन करते आ रहे हैं। तो ये थे पंकज ताजी जो कि मुख्य आयोजन करता है, यहाँ पे वर्षों से योगदान दे रहे हैं। समिति के एक सदस्य हैं मानव सेन गुप्ता जी, उनसे जानते हैं कि इस बार पूजा में, चूँकि यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त आते हैं माता के दर्शन करने के लिए और मेला का लुत्फ उठाने के लिए, तो उनसे जानते हैं कि विधि व्यवस्था की क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से पूरा एक्टिव है प्रशासन, वो 4 दिन के लिए यहाँ पर प्रशासन अपना पुलिस फोर्स यहाँ पर देगा, चारों तरफ उसका निगरानी रहेगा, प्लस हम लोग का वॉलंटियर लोग है वो लोग भी एक्टिव है यहाँ पर,
तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि सूरत सुंदरी इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी और सदस्यों ने बताया कि इस पर भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के विशेष व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे और खासकर जो भव्य पंडाल बनाया गया है उसमें इस बार जो झारखंड है बंगाल है का जो ग्रामीण कल्चर होता है वो देखने को मिलेगा जो यहाँ के भक्तों के लिए विशेष होगा। सहयोगी नीरज के साथ मैं रिंकेश कुमार नौबिहान। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।